गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी कहते हैं, ओके सिंटैक्स भी कहते हैं, और इसको कॉन्कर्ड ग्रामर भी हम कहते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ। रूल हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इन विच सेंटेंसेस वी हैव टू यूज वेयर विथ ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जितने भी विश के सेंटेंस आते हैं उसमें जो है हमें वेयर का इस्तेमाल करना है। कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वेयर का इस्तेमाल करना है हर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ओके बिकॉज क्योंकि ये विश इज द डिजायर और होप फॉर समथिंग दैट कैनॉट और प्रॉबली विल नॉट हैपन, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि विश जो होता है एक ख्वाहिश होती है, एक उम्मीद होती है कि किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश होती है, कोई उम्मीद होती है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो प्रॉबेबली जो है नहीं हो सकता, ओके वो नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत ही कम है वो नहीं हो सकता, ओके। इस वजह से जो है हमें वेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ओके। इट लाइक्स विशिंग फॉर समथिंग दैट डजेंट एग्जिस्ट येट, ओके। जो ये ऐसा है कि किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को पसंदना जो नहीं हो सकता, ओके अभी तक जो है नहीं हो सकता, ओके अभी तक नहीं हुआ है जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करें, जिस बट वंस इट बिकम्स रियल, जब एक बार वो सच हो जाए जिस चीज़ की हम ख्वाहिश कर रहे हैं, जो कि हो जाए उस वक्त जो है यू कैन यूज वाज, उस वक्त जो है आप वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। किसी ऐसी चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं जो कि हो, उस चीज़ का होना बहुत ही मुश्किल है, ओके। कोई चीज़ या फिर कोई काम जो है होने का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही चीज़ अपनी रियल लाइफ में हो जाए तब हम जो है वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ये ऐसा है कि पोटेंशियल सिचुएशन है, जब वो जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश करते हैं, जिस कोई काम की हम ख्वाहिश करते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसको हम हो जाए तो वो हम जो चाहते हैं वो हो जाए तो हम पोटेंशियल सिचुएशन है स्टूडेंट्स। अगर जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं, जिस काम की हम ख्वाहिश हम उम्मीद रखते हैं वो हरगिज़ ही नहीं हो, वो बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, तो उस वक्त जो है हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अच्छा हम इसको एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स, और कीजिए पहले एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, आई विश आई वॉज या फिर वेयर या फिर वुड बी ये क्वीन, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्वीन होने की, हो सकता है कि इस सेंटेंस में जो है एक लड़की बोल रही है कि मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं क्वीन बन जाऊँ या फिर हो जाऊँ, ओके। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो लड़की जो है ख्वाहिश करती है, लेकिन क्वींस या किंग का ज़माना तो चला गया है, ओके। यहाँ पर अब किंग क्वीन तो कोई नहीं बन सकता, ओके इस वजह से हम यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी यहाँ पर वुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल करना बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन हम वास का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्वीन तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं बन सकता, ओके पता है आपको, वो लड़की ख्वाहिश करे कि क्वीन बनने की, ओके इस वजह से जो है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए हम वेयर या फिर वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, आई विश इट वॉज या फिर वेयर या फिर वुड बी हॉलीडे टुडे। अच्छा यहाँ पर एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिचुएशन लेकर समझाता हूँ, सिचुएशन की मदद से इस सेंटेंस को हम इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा आप सुबह उठकर स्कूल या फिर कॉलेज को निकलते हैं, ओके निकलते हुए आप रास्ते में सोचते हैं कि आज छुट्टी होती तो कितना अच्छा होता, आप सोचते हैं, लेकिन आपको छुट्टी नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं, आपको स्कूल या कॉलेज जो है वहाँ पर है, आज का दिन जो है स्कूल कॉलेज है, इस वजह से आप जा रहे हैं, तो उस वक्त जब आप क्या कहेंगे, आई विश इट वेयर या फिर वुड बी हॉलीडे टुडे, मैं आप ख्वाहिश करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि कॉलेज या फिर स्कूल जो है छुट्टी मिल जाए, ओके हॉलीडे हो जाए आज का दिन में, तब आपको सेंटेंस में वेयर का इस्तेमाल करना है, ओके वेयर या फिर वुड बी का इस्तेमाल करना है, आई विश इट वेयर या फिर वुड बी हॉलीडे टुडे, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, आई विश इट वेयर वुड बी हॉलीडे टुडे, जब आप जा रहे होते हैं कॉलेज को, ओके कॉलेज को जा रहे होते हैं, आपका स्कूल या फिर कॉलेज जो है होता है
है उस दिन जो है आपको वर्किंग डे है, स्कूल या फिर कॉलेज जब आप रास्ते पर जा रहे हैं तब आप सोच रहे हैं कि आज छुट्टी मिल जाता, आज कॉलेज जो है स्कूल या फिर स्कूल हॉलीडे हो जाता तब आप क्या कहेंगे, ओके तब आप जो है आई विश इट वेयर वुड बी वेयर या फिर वुड बी हॉलीडे टूडे, आई विश इट वेयर हॉलीडे टूडे या फिर आई विश इट वुड बी हॉलीडे टूडे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अच्छा अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, और एक सिचुएशन लेता हूँ स्टूडेंट्स, आई विश इट वॉज हॉलीडे टूडे। आप कॉलेज या फिर स्कूल जा रहे होते हैं, आप सोच रहे थे तब मैंने कहा कि वेयर या वुड बी, ओके आप स्कूल पहुंच गए, ओके स्कूल पहुंच गए और वहां पर जाकर आपको खबर मिली कि आज तो छुट्टी है, किसी का कोई सिचुएशन आ गया, फिर गवर्नमेंट जो है बारिश की वजह से छुट्टी दे दिया है, तो उस वजह से जो है आपको छुट्टी मिल गई। फिर आप उसी चीज़ को दोपहर को सोचते हैं कि आई विश इट वॉज हॉलीडे टूडे, मैं सोच रहा था, मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मुझे छुट्टी मिल जाए, लेकिन उसी चीज़ को जो है यहाँ पर जो है छुट्टी मिल गई आपको, ओके छुट्टी मिल गई, हॉलीडे स्कूल जो है हॉलीडे हो गया, तब आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स। पहले मैंने जो कहा था वो था हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके आप जा रहे होते उस वक्त सोच रहे थे कि छुट्टी जो है नहीं मिलता, वर्किंग स्कूल जो है वर्किंग डे होता है, ओके लेकिन आपको पता है कि स्कूल वर्किंग डे है, इस वजह से आप जा रहे थे, उस वक्त जो है आप वेयर या वुड बी का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही जाकर पहुंचे आपको पता चल गया कि छुट्टी है, गवर्नमेंट ने जो है आपको हॉलीडे दे दिया है, उस वक्त जो है आप घर पर आते हैं, थोड़ी देर बाद आप सोच रहे मैंने सोचा था आई विश इट वॉज हॉलीडे टूडे, मैंने सोचा था कि हॉलीडे मिल जाए, ओके आई विश इट वॉज हॉलीडे टूडे, इस वक्त जो है वॉज का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैंने दोनों सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है स्टूडेंट्स, ओके अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स हमारा, आई विश यू वॉज या फिर वेयर वॉज या फिर वेयर या फिर वुड बी ये मिलीनियर। अच्छा यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, मेरी ख्वाहिश है कि ओके मेरी ख्वाहिश है कि आप मिलीनियर बन जाओ, ओके आप मिलीनियर बन जाओ, यहाँ पर क्या सोचेंगे, मिलीनियर बनना कोई आसान चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ओके ये बिल्कुल जो है 90% जो है नहीं हो सकता, ओके 10% चांसेस हैं कि वो बन जाए, ओके आज से 20 या फिर 25 साल बाद वो जो है मिलीनियर बन जाए तो ऐसा हो सकता है, ओके तो यहाँ पर हमें वेयर या फिर वुड बी का इस्तेमाल करना है, ओके आई विश यू वेयर या फिर वुड बी, ओके आई विश यू वेयर ए मिलीनियर या फिर आई विश यू वुड बी ए मिलीनियर, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके अच्छा स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और कीजिए शी विशेस शी वॉज या फिर वेयर या फिर वुड बी प्रीटियर, ओके यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन जो है एक बहुत ही अगर कोई लड़की जो है बोल रही है शी विचेस, कोई सोच रही है, कोई लड़की सोच रही है, कोई लड़की जो है ख्वाहिश कर रही है कि वो लड़की ख्वाहिश करती है कि वो खूबसूरत हो जाए, ओके प्रिटी हो जाए, ओके ऐसा होना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, वो अभी तक जो है वो खूबसूरती हासिल नहीं की उस लड़की ने, ओके अभी उसका रंग जो है सांवला है या फिर उतनी खूबसूरत नहीं है वो लड़की, वो उसकी ख्वाहिश करती है, वो विश करती है कि वो खूबसूरत हो जाए, ओके लेकिन वो लड़की खूबसूरत नहीं है, उस वक्त जो है हम क्या करेंगे, शी विशेस शी वेयर या फिर वुड बी प्रीटियर, ओके शी विशेस शी वेयर प्रीटियर या फिर शी विशेस शी वुड बी प्रीटियर। अच्छा आप ये लड़की वो लड़की जो है ये विश कर रही थी एक महीने से पहले, ओके एक महीने या फिर एक साल बाद जब आप वो लड़की को फिर देखें, ओके फिर देखते हैं आप उस लड़की को फिर देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो लड़की बहुत खूबसूरत हो गई है, ओके मेकअप वगैरह क्रीम वगैरह लगा कर फिर वैक्सिंग वगैरह सब इस्तेमाल कर वो लड़की जो है बिल्कुल खूबसूरत हो गई है परी की तरह, ओके एक साल या फिर एक महीने बाद वो सिचुएशन क्या हुआ है स्टूडेंट्स, रियल बन गया है, ओके बट वंस इट बिकम्स रियल रूल के हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, वो सिचुएशन जो है रियल हो गया है, अब जो है वो लड़की कह रही थी, ओके अब मैं कहता हूँ कि वो लड़की शी वॉज थिंकिंग शी विशेस ऑन द टाइम उस वक्त वो सोच रही थी, ओके शी विशेस शी वॉज प्रिटियर, वो ख्वाहिश कर रही थी कि वो विश कर रही थी कि वो प्रिटी हो जाए, प्रिटियर खूबसूरत हो जाए, ओके समझ आ रहा है आपको बात,
एक या दो महीने एक साल बाद जो है वो खूबसूरत बन गए, उस वक्त जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वास का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वो खूबसूरत नहीं थी तब हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, वेर या फिर वुड बी का इस्तेमाल कर रहे थे। यही सिचुएशन पोटेंशियल सिचुएशन है स्टूडेंट्स, वास के लिए पोटेंशियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेर या फिर वुड बी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया बात आपको, और कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई विश आई न्यू या फिर नाउ द रीजन। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो विश करते हैं। ओके, विश करते हैं कि वो रीजन जान जाए, वो वजह जो है जान जाए। मैं विश करता हूँ कि मैं रीजन या फिर वजह जान जाऊँ, मुझे पता चल जाए। ओके, यहाँ पर रीजन जो है आपको पता नहीं चला, आप विश कर रहे हैं कि पता चल जाता तो। ओके, पता चलने की विश कर रहे हैं इस वजह से। ओके, आपको पता नहीं चला इस वजह से आप विश कर रहे हैं, इसलिए हम न्यू का इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस का। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, आई विश आई न्यू द रीजन, समझ आ गया स्टूडेंट्स। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हम अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8। ओके, रूल नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं, गौर कीजिए। एनी न्यूमेरिकल सेंटेंस यू हैव टू यूज ओनली इज विथ इट। अच्छा, इस सेंटेंस का, इस रूल का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी जुमला जिसमें न्यूमेरिकल आ जाए, ओके, नंबर जो है आ जाए, तो यू हैव टू यूज ओनली इज विथ इट, तब जो है आपको सिर्फ इज का ही इस्तेमाल करना है। किसी भी जुमले में आप देखें, किसी भी सेंटेंस में, ओके, वहां पर उस सेंटेंस में आपको न्यूमेरिकल नंबर कोई दिख जाए, ओके, उस सेंटेंस में नंबर या फिर दिख जाए, तब वहां पर आपको इज ही इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर बताता हूं एग्जांपल की तरफ देकर और अच्छे तरह से समझाता हूं स्टूडेंट्स। रुपीज वन इज इनफ टू बाई द चॉकलेट। अच्छा, एक रुपये काफी है, ओके, एक रुपये काफी है चॉकलेट खरीदने के लिए। ओके, चॉकलेट खरीदने के लिए, यहाँ पर जो है एक रुपये, सिर्फ एक ही रुपये की बात हो रही है। ओके, एक ही है, इसलिए हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं चॉकलेट खरीदने की। यहाँ पर दी चॉकलेट मतलब पर्टिकुलर एक ही चीज है। ओके, दी मतलब एक ही चीज है। अगर आपने मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स, उस वीडियो में मैंने बताया था कि दी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स। अब हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रुपीस वन के लिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर एक ही रुपए है और एक ही चॉकलेट भी है स्टूडेंट्स, और एक ही रुपए में आपको एक चॉकलेट खरीद सकते हैं। ओके, काफी है आपके लिए खरीदने के लिए, इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हमें हैज का इस्तेमाल नहीं करना है, एज पर रूल में भी हमें सिर्फ इज का ही बताया गया है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। 1 किलोमीटर इज, ओके, इज या फिर हैज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू गो स्कूल। ओके, 1 किलोमीटर जो है बहुत ही लंबा डिस्टेंस नहीं है। ओके, लंबा रास्ता नहीं है स्कूल जाने के लिए। ओके, स्कूल जाने के लिए, यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए की थी पहले वाले सेंटेंस में ये, लेकिन इस सेंटेंस में जो है 1 किलोमीटर, एक पूरा किलोमीटर जो है आ गया है, तब भी जो है हमें सिर्फ इज का ही इस्तेमाल करना है। 1 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू गो स्कूल, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। 1 किलोमीटर हो जाए या फिर 20 किलोमीटर हो जाए, जो भी हो जाए, आपको इज का ही इस्तेमाल करना है। जब भी सेंटेंस में न्यूमेरिकल आ जाए तब आपको इज का ही इस्तेमाल करना है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। 2 आवर्स is या फिर are या फिर have या फिर has more to make coffee। ओके, 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, more यानी कि ज्यादा होते हैं कॉफी बनाने के लिए। ओके, कॉफी बनाने के लिए, मेक यानी कि बनाने के लिए। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले वाले जुमले में तो सिर्फ एक ही था, लेकिन यहाँ पर 2 हो गया है। ओके, 2 घंटे की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर था, 1 रुपए था, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे की बात हो रही है स्टूडेंट्स। 2 घंटे के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ की 1 से ज़्यादा है
नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा करना गलत होगा। ओके, हमेशा चाहे एक आए चाहे दो आए, नंबर चाहे वक्फा आए या फिर किलोमीटर आए, जो भी आ जाए, अगर न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, नंबर आ जाए, तब आपको जो है इसका ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ओके, 8,000 rupees, ओके, इज या फिर आर या फिर हैव हैज माई मंथली सैलरी। ओके, मेरी महीने की सैलरी जो है, मेरी महीने की सैलरी जो है 8,000 rupees है। ओके, है 8,000 rupees, 8,000 rupees जो है पहले आ गया है स्टूडेंट्स। ओके, 8,000 rupees मेरी मंथली सैलरी है। ओके, यहाँ पर दो के लिए हमने इस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर तो पूरे 8,000 rupees है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे। ओके, रुपीस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, रुपए की, 8,000 rupees के लिए भी हम इस का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, मेरी मंथली सैलरी चाहे 10,000 हो जाए, चाहे 1,00,000 हो जाए, जो भी हो जाए, 8,000 rupees हो जाए, जो भी हो जाए, सिर्फ जो है हम इस का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, चाहे नंबर छोटा हो या फिर बड़ा हो, ओके, हमें इस का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, रूल एग्जांपल नंबर 5, 12 मंथ्स इज आर हैव हैज। अच्छा, यहाँ पर महीने की बात हो रही है। ओके, 12 महीने यानी कि 365 डेज स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, 365 डेज की बात हो रही है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, 12 मंथ इज या फिर आर या फिर हैव हैज, यहाँ पर भी हमें इज का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, इज फाइन फॉर मी टू कंप्लीट द स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 12 महीने जो है किसी भी शख्स के लिए काफी है कि स्पोकन इंग्लिश क्लास को खत्म करने के लिए, ओके, कंप्लीट करने के लिए। ओके, फाइन फॉर मी टू कंप्लीट द स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ओके, अच्छा, जब भी आप याद रख ले स्टूडेंट्स, बहुत सारे एड्स आते हैं कि 45 डेज में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, 30 डेज में इंग्लिश सीख जाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है स्टूडेंट्स। आपको महीने, एक साल पूरा जो है, 12 महीने जो है आपको टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हर दिन आपको एक से या दो से दो घंटे जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बोर तो लगेगा, क्या आप मूवी देख सकते हैं दो घंटे में, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दो या ढाई घंटे जो है आपको दिन में देने पड़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, तभी तो आप अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, अच्छी सैलरी हासिल कर सकते हैं। ओके, वरना तो आपको सिर्फ 8,000 rupees ही हासिल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 8,000 rupees, 6,000 rupees। जब आप इंग्लिश बोलने के लिए एक साल पूरा देकर अच्छी तरह सीख जाएंगे, तब आपको बहुत सारा इनकम हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, डेली 1 आवर ऑफ जॉगिंग इज या फिर और गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, हर रोज जो है, डेली यानी कि हर रोज एक घंटा जॉगिंग के लिए, ओके, जॉगिंग के लिए गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, डेली आप एक घंटा जॉगिंग करेंगे, तब आपकी सेहत जो है अच्छी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर्स का भी मानना है, इससे जो है जॉगिंग करने से आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, डेली आ जाए, ओके, यहाँ पर हमेशा डेली आ गया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है डेली 1, ओके, तब भी जो है हमें इस का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, 1 आ जाए या फिर वर्ड आ जाए, जो भी आ जाए, आपका आपको इस ही इस्तेमाल करना है। 1 आ जाए, फर्स्ट आ जाए, या फिर सिंगल आ जाए, या फिर नंबर आ जाए, जो भी आ जाए, आपको इस का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ स्टूडेंट्स। ओ, एक और एग्जाम्पल भी बाकी है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, इस एग्जाम्पल को भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 ceiling fan price, अच्छा, एक सीलिंग फैन की कीमत, ओके, क्या है, $100। अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, $100 की बात हो रही है। ओके, $100 के लिए, ओके, यहाँ पर रुपीस नहीं है स्टूडेंट्स, रुपीस के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, करेंसी, इंडियन करेंसी या फिर पाकिस्तानी करेंसी के लिए हम 1 rupees का इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डॉलर्स की बात हो रही है। डॉलर्स तो 1 rupee तो 70 rupees हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर 70 rupees उसकी कीमत हो जाती है डॉलर्स में जब भी बदलते हैं, तो यहाँ पर 700 rupees की बात हो रही है। ओके, 700 rupees के लिए भी हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, चाहे
जो कोई भी करेंसी आ जाए, ओके, जो कोई भी करेंसी आ जाए हमें इसका ही इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर ये क्या फिर चार फैल सीलिंग फैन आ जाए तब भी जो है हमें इसका ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, ओके स्टूडेंट्स, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9, ओके, रूल नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स, ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यूज ये वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विथ मेनी एंड मेनी ये, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में आपको मेनी या फिर मेनी ये आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, ओके, अच्छा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रूल तो मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं, ओके, दो स्ट्रक्चर आ गया है स्टूडेंट्स, मेनी का स्ट्रक्चर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेनी का स्ट्रक्चर जो है ऐसा है कि मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ओके, मेनी आ जाए उसके बाद जो है आपको प्लूरल नाउन नाउन इस्तेमाल हो, ओके, मेनी का आप आ जाए और सेंटेंस में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करना है स्टूडेंट, प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर नाउन होता है स्टूडेंट्स, ओके, प्लूरल होता है इसलिए हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, अच्छा एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल भी देखिए स्टूडेंट्स, मेनी ये आ जाए, अगर सेंटेंस में मेनी के साथ कोई आर्टिकल लगकर आ जाए तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओके, ये भी देखने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिए, मेनी ये आ जाए तब आपको जो है सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करना है, ओके, ये का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल ये का मीनिंग जो है एक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, आर्टिकल एक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बुक, ये बॉय, ये पेन जो है मैंने आपको पहले ही ये सारे एग्जांपल आर्टिकल्स की वीडियो में दिया था स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेनी ये के लिए सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब का, ओके, समझ आ गया बात आपको, सिंगुलर नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, जब भी मेनी ये आ जाए तो सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल करना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट्स वाज या फिर वेर लर्नड इन द क्लास, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सीखते हैं क्लास में सीखते हैं स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स, प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, वेर का इस्तेमाल करेंगे, ओके, मेनी स्टूडेंट्स वेर लर्नड इन द क्लास, ओके, क्लासरूम में सीखते थे, ओके, थे के लिए मैंने वेर का इस्तेमाल किया, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्लास में सीखते थे के लिए, ओके, यहाँ पर आजकल जो है ऑनलाइन में आप सीख रहे हैं, अब जो है आप ऑनलाइन में सीख रहे हैं, ओके, यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, इसलिए मैंने थे का इस्तेमाल किया, ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में सीखते थे, ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, मेनी ये स्टूडेंट, ओके, यहाँ पर मेनी ये का इस्तेमाल हुआ है, ओके, यहाँ पर मेनी का इस्तेमाल हुआ था इसलिए मैंने प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल किया था, ओके, उसके बाद जो है मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया था जैसे यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेनी ये स्टूडेंट यहाँ पर ये का इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल मेनी के साथ और उसके साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट्स, इसलिए जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखे स्टूडेंट्स, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया स्टूडेंट, उस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सारी चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो में बताई थी स्टूडेंट्स, अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेनी ये स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हुआ है स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, मेनी ये स्टूडेंट वॉज लर्नड इन दी क्लास, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे, ओके, यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट भी जो है सिंगुलर है, ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मेनी पीपल, ओके, यहाँ पर प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, मेनी ए पीपल वेर वर्किंग इन अब्रॉड, ओके, बहुत सारे लोग जो है अब्रॉड में काम कर रहे थे, ओके, कर रहे थे की बात हो रही है, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, थे की बात हो रही है, यहाँ पर पीपल है इसलिए मैंने थे कहा, ओके, वेर, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स इसलिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको,
और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मेनी ए पर्सन वाज या फिर वेर वर्किंग इन अब्रॉड। यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, इस वजह से हम वाज का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, वाज का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? मेनी ए पर्सन वाज वर्किंग इन अब्रॉड। ओके, समझ आ गया। यहाँ पर पीपुल था जो कि प्लूरल था, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, वेयर का। लेकिन यहाँ पर मेनी ए पर्सन है, सिर्फ एक शख्स की बात हो रही है। यहाँ पर मेनी ए पर्सन, बहुत सारे बंदे। ओके, बंदा, बहुत सारे बंदे या फिर बंदा, और कीजिए स्टूडेंट्स, पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने, एक सिंगुलर है स्टूडेंट्स, इसलिए वाज का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? मैनी लेटर्स हैव बीन या फिर हैज बीन रिसीव्ड इन लेटर बॉक्स। ओके, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे खत जो है किस में आते हैं? रिसीव्ड। आप पहुंचे हैं कहां पर? आप पहुंचे हैं लेटर बॉक्स में, आकर पहुंचे हैं। ओके, लेटर बॉक्स में डाल दिए जाते हैं बहुत सारे लेटर्स। लेकिन यहाँ पर मैनी लेटर्स के लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स? हैव बीन प्लूरल ही हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम हैज बीन जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर लेटर्स जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए हम हैव बीन लिखेंगे। ओके, मैनी लेटर्स हैव बीन रिसीव्ड इन लेटर बॉक्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। मैनी ए लेटर हैव बीन या फिर हैज बीन रिसीव्ड इन लेटर बॉक्स। ओके, लेटर बॉक्स के लिए यहाँ पर मैनी ए लेटर, ये जो है यहाँ पर सिंगुलर है स्टूडेंट्स, सिंगुलर जो है, सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है लेटर्स प्लूरल था, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया हैव बीन। यहाँ पर जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन। मैनी ए लेटर हैज बीन रिसीव्ड इन लेटर बॉक्स। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई हैव काउंटेड द अमाउंट मैनी टाइम्स या फिर टाइम। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैनी, आई हैव काउंटेड द अमाउंट, मैनी का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स, मैनी के साथ जो है अमाउंट का इस्तेमाल हुआ है। ओके, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अमाउंट या फिर अमाउंट्स नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैनी, अमाउंट ही ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। अमाउंट्स अगर लिखते तो वो भी प्लूरल होता स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हमें सोचने वाली बात है, जब भी हमने जो है मैनी कहा, ओके, मैनी कहा तो हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, और हमें ये पता नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, आई हैव काउंटेड, पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अमाउंट कह दिया है। ओके, पर्टिकुलर जो है ज़्यादा अमाउंट या फिर कम अमाउंट भी हमें बताया नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसलिए जो है हमें मैनी many times कहेंगे। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव काउंटेड द अमाउंट मैनी ए टाइम। ओके, यहाँ पर जो है मैनी ए टाइम, वक्त। ओके, यहाँ पर जो है मैंने टाइम्स कहा था, बार, बहुत सारे बार, यहाँ पर जो है टाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ टाइम, मैनी ए टाइम। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, यहाँ पर जो है हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव काउंटेड द अमाउंट मैनी ए टाइम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, यहाँ पर क्यों टाइम्स का इस्तेमाल करते हैं? बार बार गिनना। ओके, मैंने बार बार काउंट किया अमाउंट को, इसलिए जो है हम टाइम्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टाइम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैनी ए टाइम। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, ये बहुत सारा आसान है स्टूडेंट्स, आपको बस समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अगर समझ जाएँ तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।